अहली सुन्नत व जमात का अकीदा रोजे रोशन की तरह आया है। हर खतीब जेड़ा है अपने रंग के अंदर ये बात समझाना चाहता है कि सुन्नी अमल विच दी कमी कर सकता है, यानी गुनागार हो सकता है, बदकार हो सकता है, लेकिन एक गुस्ताख किसी का नहीं है। मां बाप तो लैके पीर फकीर तो लैके करीम आका तक इति ऐसा सुन्नी सादा है। किबला बदर साहब ज्यादा टल पाए होना ते पांच चार वास कटा पाइया होन ते उंगलियां भरिया होन गल करन लगियां डरदा है, बड़ी पहुंची सरकार है। लेकिन असी भी चौकीदार अली सुन्नत व जमात दे असी आप हजरात नूं मुतनबे करना चाहते हैं। वलायत वासकटा पाण दा नाम नहीं है, उंगलियां लोहे दे नाल भरने दा नाम नहीं है, नमाज छोड़ने दा नाम वलायत नहीं है। तार के कुरान होवे, तार के शरीयत होवे, इसका नाम वलायत नहीं है। ओए वली ओ वेखड़ा है ते साडी शरकपुर श्री मियां साहब नूं जाके वेख लो। अगर वली वेखड़े ने ते हुजूर दाता गंज बख्श दी सवानी उमरी दा मुतालिया करो। अगर वली वेखड़े ने ते पाक पतन दी लाड़ी बाबे फरीद दा सीरत मुबारका पढ़ के वेखो। पीर फकीर साडे वेखड़े ने नंग मनंगिया दी गल नहीं असी करदे, असी बंदूक शाह ते गोली शाह ते बंब शाह इन्हां दीआं गल्लां नहीं करदे। रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना साडे पीर फकीर ओ पई फकीर ने शरीयत दीआं धजियां उड़ाने वाला पीर फकीर नहीं हुंदा, बल्कि दीन दा पहरा देने वाला शरीयत मुस्तफा दे पहरेदार नूं वली कहा जांदा है। अगर इन्हां विचों इस दौर विच अगर जमाने दी निगाह ने वेखी है, अमीर अल मुजाहिदीन दी शक्ल अगर इस दौर के अंदर किसी ने वलायत का अगर सरचश्मा वेखना हो हुजूर मुहद्दस आजम पाकिस्तान के खादमा नूं वेखिया जाए, रब्बे काबा की कसम उठा के कहना साडे शेखैन ओ ने जिन्हां मां की झोली में कुरान पढ़िया ते जिंदगी कुरान की तिलावत की, नमाज भी कदी नहीं छड़ी, नमाज भी पाबंदी नाल अदा फरमाई। किस कदर रोजे रोशन की तरह आया है। अलहम्दुलिल्लाह जेड़ा पीरां दे लड़ लग गया और गुमराहां दे नाल नहीं, जेड़े अच्छे लोगों के नाल निस्बत जिन्हां दीआं हो गई सारिया वलायतां दी सनद दे उत्ते सारिया दी अग पीरां ने उसां दीआं संदां दे उत्ते जब तक मेरे पीर मौला अली दी सनद ना होगी उतनी देर तक वली नहीं बनता। ओए वली केड़ा लैके आना है, अज मौलवी दीआं लत्तां भी टुटियां होण ना ते तुर ना सके शेखपुरियों ते मर खप गए सारे, उन्हें भी वली इबने वली ते वली कहा जांदा सी। खुदा दी कसम उठा के कहना वली ते ओ हुंदा है जिदी सनत ते मोर भी मौला अली दी होवे, बैठा जमीन ते हुंदा है खबरा अरश दीआं अता फरमांदा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सरकार दे यारां दीआं बातां अल्लाह दा कुरान ललकारा पाई जा रही है। अल्लाह फरमांदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चौक बेगम कोट विच बैठण वालियो कुरान दे प्यासे बन के बैठना, असी अल्लाह दे फजलो करम दे नाल नावल ते डाइजेस्ट नहीं पढ़न वाले, असी किसे कहानियां ते कहावतां नहीं बयान करन वाले, असी अल्लाह दा कुरान पढ़ने आ या मदीने वाले आका दा सच्चा फरमान पढ़ने आ। अल्लाह फरमांदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जरा मेनू आवाज ना जवाब देना थे के हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जुल्फकार वजीर आजम था,
सदर जिया सदर पाकिस्तान का था, सकंदर वजीरी आदम था, लियाकत अली वजीरी आदम था, जुनेजुज वजीरी आदम था, नवाज शरीफ था, इमरान खान, अल्लाह करे थे ही हो जे सारिया जिमें लगी हो ना थे ही हों जा रही है ना पकड़ वेखो आँदी जा रही था जेकर जेड़ा मौजूदा होवे ओनू क्या जांदा है इहदा मतलब है मेरे आका करीम दी नबूवत अज भी है अल्लाह दे फजल करम दे नाल कयामत तक ते कयामत तो बाद तक भी आका करीम दी रिसालत दा डंका बजदा रहेगा। अल्लाह फरमांदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अज स्टेज ते नारा वजदा ताजो तख्तो खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैं आखिया कि अगर ताज जिंदाबाद मंगना पिया तख्त नो जिंदाबाद मंगना पिया ते ताज वाले भी जिंदा मनिया कर सर वाले जनाबे वाला जिंदा मनिया कर। अगर ताज भी जिंदाबाद है अगर तख्त भी जिंदाबाद है फिर मनना पेगा ताज वाला भी जिंदाबाद है तख्त वाला भी जिंदाबाद है। बल्कि मैं ते आखांगा तख्त भी उनका ताज भी उनका तख्त भी उनका ताज भी उनका दोनों जहां में बैराज भी उनका। मिठी जी जुबान दे नाल धीमे धीमे एक बारी हुसैनी बन के पड़ोदा भाई तख्त भी उनका ताज भी उनका। गदाइयां आईयां ते चार दिहाड़े गुजार के अज वे कोई बंदा जेलां विच नजर आ रहा है कोई छुपिया लुकिया नजर आ रहा है सदा बादशाही फेरे अल्लाह दी होवेगी तख्त भी उनका ताज भी उनका ताज भी उनका दोनों जामे पैराज भी उनका। अगर चे स्टेज मेरे तो थोड़े जे फुटा के पीछे चला गया है लेकिन दुरुदे पाक पढ़िया जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरामी कदर हजरात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का डंका सरकार की रिसालत का डंका वजदा पिया। सरकार अल्लाह के रसूल है नहीं बल्कि रसूलों के भी रसूल। मैं किड़े उनवान से आना चाहना अल्लाह फरमांदा मेरा महबूब जड़े मेरे महबूब के महबूब वल्लदीना माहू अशिदाउ अलल वाले ने यार दे यार ने जेड़े मेरे महबूब दे महबूब ने वल्लदीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफार। लोगों ने ते डराया ना आपस के अंदर जंगा बड़िया सन लड़ाइया बड़िया सन चौक बेगमकोट में बैठने वाले हो अल्लाह का कुरान बयान करता अशिद्दाउ अलल कुफार ओ काफरां वास्ते सख्त ने रुहामा वास्ते सख्त ने आपस के अंदर बड़ा प्यार करने वाले मुहब्बत बखेरने वाले ने साबत होया उमर पाक की शक्ति काफरां वास्ते है साबत होया सिद्दीक पाक की शक्ति काफरां वास्ते होवेगी उस्मान ते हैदर की शक्ति काफरां वास्ते होवेगी आपस के अंदर ते रोहमा ओ बैना हुम आपस के अंदर प्यार करने वाले ने ताई उत्ते असीं कहने आ बणिया नबी दया यारा बणिया नबी दया एक
कावाज दे नाल जिन्ने बंदे बैठे हो तुसी हुसैनी बन के मेरे कन्नां ते कावाज नहीं आए। जिहड़े बंदे विच अखां मीटदे पए हो इन्हां नूं मेरा दिल करदा जगा के हिला के ते मैं आप हजरात नूं सरकारे कायनात दे सहाबा दीआं गल्लां सुणावां। बाणी यार नबी ते यारा आंदा बाणी यार नबी शाकी होवे ते चल मदीने देख ले छोड़ी मिजारां दा बणिया नबी दया यारा मखदूम भाई जिन्हां दियां यारियां लिब गईयां यारियां लिब गईयां तेरी यारी मतलब दी यारी होवे रक्षे ते बह के शादरा चौक तक जांदियां टीरिया करके वेखदा ए भी मेरा किराया दे देवेगा अपने मतलब वास्ते यारी लगा लैंदा। नबी पाक दे यारियां नबी पाक दे यारां दियां यारियां ए मतलब दियां यारियां नहीं ईमान दे मॉडल नजरे आणगे ईमान दे नमूने नजरे आणगे। सरकारे कायनात दे गुलामो ए जुमला याद रखना जिहड़ा सरकार ते सरकार दी आल दा बेअदब होवेगा कदी फला नहीं पा सकेगा कदी कामयाब दुनिया के नहीं हो सकेगा। खुदा की कसम उठा के कहना जेड़ा मौलवी ऐले बैठे तहार के खिलाफ अपने अंदर ही बोगद रखे कदी दुनिया से चमक ना सकेगा। सरकारे कायनात दे सहाबा की अदावत रखे दुनिया से कदी चमक ना सकेगा। इत्थे ओ ही चमका मारदा है जेड़ा सहाबा की नमोस का पैरा भी देंदा है मुहम्मद की आल का पैरा भी दे रहा है। एक पासे अबू बकर एक पासे अबू बकर दा बेटा है वेखना अंदाज आकर करीम दी मोहब्बत दा। एक पासे अबू बकर एक पासे अबू बकर दा बेटा जदों जंग खत्म हो गई अबू बकर दा बेटा बोलिया कहन लगा बाबा जानी मेरी तलवार थले तुसी तीन मरतबा आए सो मैं बाप की वजह करके तुहानू छोड़ दिता सी। हजरत दे प्यारे अबू बकर जलाल विच आ गए आपने फरमाया पुत्रा तू मैं तेरा मैं तेरी तलवार थले तीन मरतबा आया तू मैनू पाप समझ के छोड़ दिता काश सिद्दीक की तलवार के थले एक बारी आ जाता मैं तेरा गाजर मूली की तरह फेजा निकाल के रख देंदा गाजर मूली की तरह कट के रख देंदा। बाबा जानी मैनू बाप की मुहब्बत साड़े आ गई मेरे सामने ते बाप की मुहब्बत आ गई सी क्या ख्याल है बाबा जानी तुहानू पुत्र का प्यार नहीं सी सामने आना। सिद्दीक पाक का जुमला सुन के दया ना करना सिद्दीक पाक मौज में आ गए आपने फरमाया पुत्रा जदों दीने इस्लाम का मामला आ जाए आका करीम की शरीयत का मामला आ जाए नमूसे रिसालत का मामला आ जाए उस वेले औलादा नहीं वेखी दियाँ उस वेले पुत्रा वाल नहीं वेखीदा मुहम्मद दे मदीने वाल वेखीदा है सरकारे कायनात दे मदीने वाल वेखीदा ते फिर असी कहने मदीने वाल वेखे सरकारे कायनात दे नाम तो जिहड़ा कुरबान हो जाए जो रसूले पाक तो कुरबान हो गया। ऐ जिहड़े लैण वाले हो आवाज निकालो ना जो रसूले पाक तो अगर जे तादाद में थोड़े नजरे आओगे लेकिन आवाज में कमाल नजरे आना जो रसो ले पाकी तो कुर्बान हो गया समझो समझो योदी निजात दा मुहब्बत भरिया बातें सुनावा कहो सुभान अल्लाह। किबला बदर साहब रौला ये पांदे ने जी नबी पाक दी इस आल ही कल्ली कुर्बानी देंदी रही है कल्ली कुर्बानी सहाबा ते नाल नहीं तुरे
नबी दी आल कली कुर्बानी दिती सहाबा नाल नहीं टुरे ताइयो नमाज विच भी सहाबा दा जिक्र ही नहीं आया आल दा जिक्र आया है। अज दा मलंग रौला पांदा है आंदा नमाज पढ़नी आने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद नमाज के अंदर सहाबा का जिक्र नहीं आया। मैं क्या हमाता छोड़ दे पागला असा नैसैन पट्टी के अगे बह के नहीं पढ़िया असा अल्लाह के फजलो करम के नाल अपने शैखैम की बारगाह के कोलों सीखी है और उन्हां दीयां नजरां दे विच नजरां मिला के आका जाने रहमत दा दीन पढ़िए रब्बे काबा की कसम उठा के कहना इतने इकबाल ने भी आख्या ना किताबों से ना कॉलेज से ना स्कूल के हैदर से पैदा इलम होता है फकत बुजुर्गों की नज़र से पैदा एक मिर्दा जेलमी कुत्ता ललकारा पिया पाँदा खुदा की कसम उठा के कहना तेरी ते हसीयत ही कोई नहीं जेड़ा अपनी माँ का इनकार कर दे जेड़ा अपने बाप का इनकार कर दे साढ़े बाबिया के बारे अगर गल भी करेगा जेड़ा माँ के बारे योजी सोच रखे जमाने वाले कहें है ही हराम है छ तेरिया गल् मैं की करा लेकिन यारो ओदिया बात ना सुनिया करो गुमराह कौन बंदा आका करीम सल्ला सलम के दीवाने नबी पाक के आल आखिर शिकर नमाज बच्चे आ गया लेकर याद रखना आल तो मुराद सरकारे कायनात दे ओ शहजादे मौला अली मौला हसन मौला हुसैन सैयदा फातिमा अगर आल तो मुराद देते मैं आल तो मुराद मैं भी दसांगा आल तो मुराद मेरे आका करीम ने फरमाया अना सलमानो मिलना आहलो बैद जिथे मेरा हसन उठेगा जिथे मेरा हुसैन उठेगा उथे जनाबे वाला मेरा सलमान भी उठेगा आला फिर औना दा की माना होवेगा जे आल दा माना ही सिर्फ यही लेना है आला फिर औना वा आला इमराना अलल आलमीन एदा माना फिर की बनेगा सरकारे कायनात दा कलमा पढ़ने वालियो मैं गल मुकदी इंज मुका दियांगा जदों आल दा जिक्र आएगा उस आल दे विच नबी पाक दे सहाबी सिम हो जाणगे क्योंकि मौला हसन एक पासे खूने रसूल है मौला हुसैन एक पासे खूने रसोले दूजे पासे जिन्हों नजरे मुहब्बत दे नाल तेरे आका जानी दा चेहरा वेखिया सहाबिया दी शान भी आपके गोदे अंदर आ गई मौला हसन नालों वड्डा केड़ा सहाबी मौला हुसैन दे नालों वड्डा केड़ा सहाबी है जदों नमाज पढ़दी आल दा जिक्र आवे समझ लई आल दा जिक्र भी हो गया है मुहम्मद दे असहाब दा जिक्र भी आ गया है। नारे रिसालत नारे रिसालत अजमत ओ शान ए सहाबे तुहानू गुर दियां दो चार गल्लां दसण लगा एक बारी पढ़िया जिना बाणी यार नबी ते यारां दा बाणी यार नबी ते बोलो बोलो बाणी यार नबी ते यारां साखी होवे ते नबी पाक दे यार नबी पाक दे सहाब नाल नहीं टुरे पर साडा भी सवालिया निशान जुमला सुन साडा भी सवालिया निशान बन के असी तेनों जुमला देन लगियां कदी साडियां गल्लां भी सुनिया करना अगर नबी पाक दे सहाबा नाल नहीं टुरे ते उहनां ते फतवा लगा देना हजरत मौला हुसैन का सक्का भाई हजरत मुहम्मद बिन हनफिया आप भी मदीना मुनवरा च रहे ने करबला मुअल्ला दे अंदर नहीं गए बाप वालों सके जनाबे इमाम हुसैन दे सके भाई मदीना मुनवरा च रहे ने दूजी बात समाप्त कर लेना जनाबे फातिमा सुगरा ए मौला हुसैन दी बेटी है इन्हां दा शौहर है हसरे मुसलना ए भतीजा जनाबे इमामे हुसैन दा और बेटा मौला हसन दा मदीना मुनवरा ही रिया करबला मुअल्ला दे अंदर नहीं गया जेड़ी भैन सैन मदीने तो लैके मक्के तक मक्के तो लैके करबला मुअल्ला तक उन्हां दा शौहर है अनामदार उन्हां दा नाम अब्दुल्ला बिन जाबर ये भी ते पढ़ के दसना ये भी करबला मुअल्ला दे अंदर नहीं गए लगा फतवा नबी पाक दे सहाबा ते केड़ा फतवा लगाएगा केड़ा फतवा उन्हां ते लगेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल ते भी लगेगा असी ना राबजियां ना खारजियां एक गल करके असी उन्हां दी तोहीन नहीं करना चाहते की होया जे नहीं गए ते परवाह
कोई नहीं। हजरत मौला हुसैन ने जान लग्या जंग का ऐलान किया ही नहीं, मक्के विच जाके जंग का ऐलान नहीं किया। जे जंग का ऐलान कर दे बेगम कोटी एक बार जरा ललकारा पा देना, कौन सी जरा पिछे रह जाता। मुहम्मद बिन हनफिया भी नाल जाते, हसने मुसलना भी नाल जाते, अब्दुल्ला बिन जाफर भी नाल जाते, मक्की भी नाल जाते, मदीने वाले भी नाल जाते, और कोई सहाबी पिछे ना रहता। लेकिन एक फिर जुमला मेरा सुन लेना, पता मक्का मक्का मैदान करबला के अंदर कितने बंदे शहीद होए ने। पहला कौल है 72 का, दूजा कौल है जरा मैं पढ़िया 84 का, तीसरा कौल है जनाब 144 बंद का। लेकिन ज्यादातर असी मौलवी प्यार ज्यादा 72 से इतफाक कर लें, असी इतफाक 72 वाली कौल से कर लें। इन्हों 72 के अंदर दूजा कौल 84 वाला, तीसरा कौल 144 वाला, ये कुरबान हुए ने। असी इतफाक किया 72 से, मखदूम साहब 72 से इतफाक हो गया। हुण सवाल कर, इन्हों 72 के अंदर नबी पाक की औलाद कितनी सी, अहले बैत अज़हार के जवान कितने सन। तेरी ते अखां बंद हो जांदियां ने, सुबान गुंग हो जांदी है। अरशद रदवी क्योंकि चौकीदार ही मसलके आले सुनने दा, मैं आखांगा 72 ते इत्तेफाक होया। इन्हां 72 दे अंदर 19 अफराद या 21 अफराद अहले बैत अज़हार दे मलंगा चंडो पी के तकरीरां करके लोगों को गुमराह ना करिया कर। मैनूं ये भी बोल के दसना, 21 तो लैके 72 तक गिनती जिहड़ी है, इन्हां विच मैनूं साबित कर वो बंदे किहड़े सन जिहड़े करबला वालियां विच आण के रल गए सन। ते 72 तक तस्जना बे वाला गिनती चली गई, तैनूं पता नहीं लगेगा। मैं दसांगा इन्हां 72 विच 19 जनाब 19 आई फ्री आयो की अफराद अहले बैत अज़हार दे, बाकी जितने भी अफराद ने या सहाबी नजरे आणगे या सहाबा दियां औलादा नजरे आणगियां। नारे रिसालत, पूरा पिंडल बाजू ने रख बोले अजमत और शान ए सहाबे मुस्तफा, हर बंदा बोले जिंदाबाद जिंदाबाद, अजमत और शान ए सहाबे मुस्तफा, अजमत और शान ए आले मुस्तफा, ताजदार ए हजर नबुवत जिंदाबाद। इन्हां विच या सहाबा नजर आण गई या सहाबा दियां औलादा। जाओ पुत्रो किते जानवरां नूं पाणी पाणा पै जाए, किते चारा पाणा पै जाए, गुलाम बन के जाना नाल, वरना साबत करो उहनां दे नाम कौन की सन। सहाबा नाल नहीं गए, सहाबा साथ नहीं दिता। हुसैन ने जान लग्या ना मक्के ऐलान किया ना मदीने ऐलान किया, जे ऐलान कर दे जंग जू लै के जाते, 6 महीने का असगर भी ना जाता, 6 साल की सकीना भी ना जाती। इहदा मतलब है इमाम लड़न वास्ते नहीं गया। मेरे इमाम जाके करबला के मैदान के अंदर दीन की खातर लड़ना पै गया। तो जेड़ा हुसैन होंगे वह बातल के अगे डर जाता है, एक पासे बातल वाले आ गए, एक पासे हक वाले आ गए, एक पासे जफा वाले आ गए, एक पासे वफा वाले आ गए, एक पासे जबर वाले आ गए, एक पासे सबर वाले आ गए। मौला दिल खोल के इम्तिहान लै लै, उधरों जबर की इंतहा हो जाएगी, साढ़े वालों सबर की इंतहा हो जाएगी, और सहरा करबला को सहराए करबला को फसाया हो सहराए करबला को फसाया हुसैन ने सभी कुछ लुटा के दी कुछ लुटा के। शाबी साहब मैं केड़ा क्लासिकल पंडा, अगे पीछे ना करो, सब कुछ लुटा के दी। कारी साहब आउणगे ना फिर उन्हां दा रंग चुके उन्हां दा, ते असीं सादे जे बंदे आ, एवें उन्हां विच फा लै के ते अपनी चाल ते भी जाइए। प्यार दे नाल पढ़िए, सब कुछ लुटा के दी को बचा
हुसैन जी बाबा दे बुलंद बोलिया जे शाबी कुछ लोटा के दीन को बचाया हुसैन ने आका करीम दा कलमा पढ़ने वाली हो ये भी जुमला मेरा साया ना करना एक कहंदे जी उन्हां दे विच इख्तलाफ बड़ा सी मैं आखांगा जदों नबी पाक दी बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा हसनैन करीम मैं दी अम्मा जान जनाबे फातिमा तुजारा मेरे आका दे जिगर दा टुकड़ा जदों बीमार होइया मैनू जनाबे वाला जुमला लिख के लै जाणा अपने दिलो दिमाग ते इन्हां को चौका च पुछिया करो कालिया नूं ये साडे सवालां दा जवाब खिदमत गुजारी वास्ते केड़ी बीबी रही सी उस बीबी का नाम भी ते दसो ना जरा सय्यदा पाक दा खारे नबी पाक की बेटी का खारे आका करीम की बेटी का आखिरी वेला बीमारी के अयाम चल रहे ने केड़ी बीबी सी सय्यदा पाक की खिदमत गुजारी वास्ते कोल रही ए मलंग तेनों नहीं दसेगा ते बखील बंदा कदी मैनू दाद नहीं देगा स्टेज तो सामने वाला स्टेज वाला भी होवे भावे सामने वाला भी होवे आशक बन के बैठना ओए बीबी दा ए नाम नहीं दसणगे अरशद रदवी बीबी दा नाम दसेगा जदों सय्यदा बीमार होइया ओ बीबी जड़ी खिदमत वास्ते कोल रही ओदा नाम सी असमा बिनते उमैस असमा बिनते उमैस खिदमत गुजारी वास्ते कोल रही हूँ बेगमकोट चौक में जाने वाली हो पहले तो ये पुछना कि बीबी केड़ी सी उदा जवाब आएगा असमा बिनते उमैस हूँ फिर सवाल करी ओ बीबी का शौहर कौन सी उदा खामद कौन सी तेनों आपे पता लग जाएगा हूँ मुसलमानों जनाब इन्हें पूछा गया उस बीबी का नाम शौहर का नाम की है ये मलंग कदी भी नहीं बोलेगा अरशद रजवी बेगमकोट चौक से उसका नाम अबू बकर असमा बिनते उमैस बीबी का नाम जिहड़ी हसनैन की माँ की खिदमत वास्ते घर के अंदर रही ओ दुश्मना कभी अपने घर खिदमत वास्ते नहीं ले आईदा ते दुश्मनी होवे ते सके भाइयों दियाँ बीबियां नहीं आउंदियां ये खिदमत गुजारी दसती पई है अबू बकर की बीबी की खिदमत गुजारी दसती पई है असी अहले बैते इतिहार के गुलाम हाँ अहले बैते नाल मुहब्बत करने वाली हाँ हुण जुमला अगे जरा दिलां ते दिमागां दे त्रीचे मेरे वाल करके बैठ जरा असमा बिनते उमैस बीबी का नाम है ये पहली बीबी कि सी चंगे मौतों को छे साल हो गए सर लगे जो सय्यदा बीमार हुई चंगे मौतों के अंदर हजरत जाफरे तैयार हजरत मौलाली के सके भाई ने जाफरे तैयार चंगे मौतों के अंदर शहीद हो गए ये जाफरे तैयार की बीबी सी असमा बिनते उमैस अपनिया किताबा कम अज कम खंगाल के पढ़ लै किसी बंदे को पुछ लै कि कशफुल गुमाम दी हो पुछ लै चलाओ लो यो नाम दी हो पुछ लै तेरिया किताबों का हवाला दे के मैं चौक वालिया गल्ला सुनांदा जावांगा मैं चौकीदारी ओए रसूलुल्लाह दा ते तेंदा फिरदा हो का सौदा नकदो ओए नकदी विकीदा सब तो वड्डा गुनाहगार भी होगा ना ओदे चेहरे ते भी ज्यादा चमक होगी मनोज चेहरे काले चेहरे
ओ बीबियां नूं नंगे पैरी लै के बाजारा विच फिरने वाले और लोया पा के कड़े पा के गली गली अपनियां बेटियां दी तोहीन करवाने वाले इज्जत दे बाबा जिहड़ा तोहीन ते ओदी होवे जिहदी इज्जत होवे असी सैयदा पाक दे नौकर आ सैयदा पाक दे खानदान दी तदीम करने वाली आ साडियां बीबियां भी कनीजा नी जनाबे फातिमा पाक दीआं हुण मैं जुमला अगे भी थोड़ा जिहा अर्ज करना चाहना वा सैयदा तैयबा ताहिरा दे कोल अस्मा बिनते उमैर सन ए उस वेले बीवी सी जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी ते जिहनूं चंगे मौता लगी ए बीवी सी चंगे मौता दे वेले जाफर तैयार दी चंगे मौता नूं होया 6 साल दा अरसा गुजर गया सी हजरत जाफर तैयार चंगे मौता दे अंदर शहीद हो गए बेवा हो गई हजरत अली अल मुर्तजा दी भरजाई आप दी भाभी जान बेवा हो जांदी आ दे हैदर कर्रा दे सोजिया बेगम कोटी उधरा साधु थाना दरा मौला दी हैदर कर्रा दे सोजिया मेरी भरजाई बेवा हो गई है तारे कल्ला ते मैं कल्ले घर दे अंदर मुनासिब नहीं समझदा मैं अपनी भरजाई दा निकाह अपने नाल कर लवां जंग ते जंग हो रही है कल कल्ला नहीं होना चाहिदा हैदर कर्रा ने इरादा कीता अपनी भरजाई दा निकाह अपने नाल कर लवां फिर ख्याल आया जदों सरकार दे फातिमा मैनूं अता कीती सी सरकार ने फरमाया सी अली जब तक फातिमा तेरे निकाह दे अंदर है तू दूजी शादी नहीं कर सकदा जे मैं शादी दूजी करा ते फातिमा नाराज हो जाएगी फातिमा नाराज हुई ते रसूल नाराज हो जाएगा रसूल नाराज आया ते खुदा नाराज हो जाएगा मैं शादी अपने नाल भरजाई दी नहीं कर सकदा ऐ जुमला सुनियो जेड़े मां प्यो वल्लों सुनियो जरा ललकारा पा देना हैदर करार ने भरजाई दा रिश्ता लभना शुरू कीता पूरी खुदा दी खुदाई विच अगर रिश्ता नजर आया असमा बिनते उमैर अपनी भरजाई वास्ते अगर कोई लाड़ा थूला नजर आया सिद्दीका दा बाप अबू बकर सिद्दीक नजर आया ते बड़े रले पै गए मां अलम चुकी फिरदी है ते पुत्र गौसे पाक दे नारे मारदा है ते जनाबे वाला बंदा जेड़ा जेड़ा बिस्तरे चुकी फिरदा है हुण मैं तुहानूं पैगाम देना चाहना जेड़ा मां प्यो वल्लों पक्के थके सुन्नी ओ ते पक्के जनाबे वाला किलो स्टील दे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ओ ते बंदे जनाबे वाला मुहब्बत दे नाल बैठ गए एक वारी मेरी हां नाल हां मिलाना जेड़ा भरजाइयां दे निकाह जेड़ा भरजाइयां दे निकाह सिद्दीक नूं देंदा रिहा है मैदाने हशर वाला दिन होवेगा सिद्दीक दे मनण वालियां नूं जन्नत दा टिकट क्यों ना अता फरमाएगा ओ जन्नत दा टिकट क्यों ना अता फरमाएगा ए अस्मा बिनते उमैद पहली बीवी जनाबे जाफर तैयार नहीं सी दूसरे मौके ते बन गई अबू बकर सिद्दीक दी बीवी ते जदों जनाबे फातिमा दा विशाल हो गया अपनी चलाओ लोई हुण ते कशफुल गुम्मा पढ़ लै इसे बीबी अस्मा दे नाल मेरे पीर मौला दी हैदर करार ने निकाह फरमा लिया सी हजरत जाफर तैयार दे घर दे अंदर इस बीबी दे पत्र विचों दो बेटे पैदा होए अबू बकर दे निकाह विच जदों आई इस बीबी दे पत्र विचों दो बेटे पैदा होए जदों मौला दी हैदर करार दे निकाह विच आई इस बीबी दे पत्र विचों दो बेटे पैदा होए मौला अली दे 18 पुत्र ने जिन्हों सिर्फ दुआ दा नाम ही आउंदा है पुछिया कर इन 18 बच्चियां विचों याहिया बिन अली ते जैद बिन अली इन्हां दी मां दा की नाम है याहिया बिन अली ते मां दे जनाब जैद बिन अली दी मां ते जवाब आएगा ओ याहिया ते जैद दी मां दा नाम है अस्मा बिनते उमैस अस्मा बिनते उमैस ओदा नाम है किबला मखदूम शाह मोहतरम एक जनाबे जनाबे अस्मा बिनते उमैस 9 भैणा सन इन्हां 9 भैणा विचों 5 भैणा जलीलुल कदर सहाबा दे घरां दे अंदर सन मैं तेरा पंजां दी तफसील सुणाना चाहना वा अस्मा बिनते उमैस पहली बीवी बनी जाफर तैयार दी दूसरे मौके ते बीवी बनी जनाबे अबू बकर दी तीसरे मौके ते जनाब बीवी बन गई हजरत मौला अली दी बोलो सुभान अल्लाह इते अस्मा बिनते उमैस अलीउल मुर्तजा दे घर अस्मा बिनते उमैद हजरत जाफर तैयार दे घर यके बाद दीगरे सिद्दीक अकबर दे घर ए जनाब यके बाद दीगरे बीबी आई इस अस्मा दी एक भैन दा नाम है सलमा बिनते उमैस बोलो सलमा बिनते
सलमा बिनते उमैस इस बीबी का नाम भैन का नाम है सलमा बिनते उमैस फिर पूछना वो लाड़े ते थूले का की नाम है मैं तेनों जवाब दियांगा सलमा बिनते उमैस का लाड़ा बनिया हजरत सैयदना अमीरे हमदा नबी पाक के चाचू जान जिन्हां दे कन भी कटे गए नक भी कटिया गया अखां भी निकालिया गई अमीरे हमदा जनाबे सलमा बिनते उमैस के शोहर बन गए हुण रिश्ता बना नदरा कदी अबू बकर ते अमीरे हमदा हमजुला बनते पे ने ये आपस के अंदर सांडो सांडो बनते पे ने सलमा बिनते उमैस अमीरे हमदा की बीवी बन गई ते तीसरी भैन का मैं नाम लैन लगा ओदा नाम ही उम्मे फजल बिनते उमैद ये उम्मे फजल बीवी बनी जनाबे अब्बास रजी अल्लाह तआला नो दी ये उम्मे फजल होई जिहड़ी आका दी बारगा जान के अर्ज कर दी है सोनिया मैं राती सुती होई सा मैं ख्वाब देखिया तुहाडे बदन का हिस्सा मेरी गोद के अंदर आ गया है सरकारे कायनात ने फरमाया चाची अल्लाह तेन मेरी बेटी नूं बेटा अता करेगा फातिमा की गोद के अंदर हसन हुसैन पैदा होएगा जिहड़ा तेरी गोद के अंदर जाके परवरिश पाएगा ए उम्मे फजल एदा थूला बनिया जनाबे अब्बाद और हुण मेरे अकीदे का जवाब बड़ा प्यारा जिहा आण लगई मेरे अकीदे की प्यारी दलील आण लगी आ असमा बिनते उमैस की चौथी भैन जिहड़ी है इहदा नाम ही कुरैबा तो सुगरा हुण पुछ कुरैबा तो सुगरा दा शौहर कौन बनिया अरशद रदवी आखेगा कुरैबा तो सुगरा भैन ही असमा बिनते उमैस की इहदा लाड़ा बनिया सैयदना अमीरे मुआविया सही में बाबा कुरैबा तो सुगरा बीवी जड़ी असमा बिनते उमैस की भैन एदा थूला बनिया अमीरे मुआविया इन्हां दी पंजवीं भैन उहदा नाम जनाबे मैमूना ए मैमूना दा लाड़ा कौन बनिया नबियां दा सुल्तान मदीने वाला बनिया है सरकारे कायनात बने दे जलीलुल कदर पैगंबरां दे घरां दे अंदर रिश्तियां रिश्तेदारियां तू ते कहना जी उहनां दे अंदर इख्तलाफ बड़ा सी कुरान कहंदा रोहामा मला नजरा अमीरे मुआविया दी बीवी हजरत कुरैबा तो सुगरा भैन असमा बिनते उमैस दी जदों असमा जाफर तैयार दे घर दे अंदर सी या मौला अली दे घर दे अंदर सी हजरत अमीरे मुआविया ते जाफर तैयार ते मौला अली दा रिश्ता बना नजरा एवें लोगों नूं कोलों पैसे बटोर के लोगों नूं गुमराह करके जाना और बात हकायक बयान करके लोगों के सामने बयान करना और बात मेरे करीम माका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले असी दुद्ध दुद्ध पानी का पानी कर देने उन्हां दे अंदर आपस के अंदर इख्तलाब नहीं आपस के अंदर मोहब्बत नहीं असी बयान करके आने बाणी यार नबी दे यारा पढ़ो बाणी यार नबी दे यारा दा बाणी नबी दे यारा साकी होवे ते बदर साहब मैं मदीना मुनवरा भी गया चार मरतबा गया अल्लाह माशाल्लाह जेड़ा मेरी वारी सुभान अल्लाह कहना अल्लाह उन भी मदीना वेखना नसीब फरमा खुल के कहो सुभान अल्लाह साढ़े आसी साहब ने चंगी रिश्त बनाईए जेड़ा हो रुचि आके अज रात उन्होंने जियारत हो जाए जेड़ा हो रुचि आके वह माँ प्यो का कभी पिटिया ना हो जेड़ा होर आके अज रात ही वे कर करोड़ों के डालर आ जाए बड़ी लंबी चौड़ी एक फरिश्ते मैनू याद नहीं याद हौली हौली कर लाँगा हजरात दे गिरामी मैं इतना अर्ज करा ये पंजा भैणा का रिश्ता जरा याद रखिया जे इन्हों का रिश्ता याद रखड़ा जदों जना पे मौला अली बोलो मौला अली सारे बोलो मौला अली सोटा चरस लाया होवे बंदा जनाबे वाला हाथ थल्ले नहीं करदा सुनिया तो हाथ कादे वास्ते थल्ले कर लिया तेरा सिर कादे वास्ते नीवा हो गया तेरे कोल ते सौदा नबी पाक दी आल दे प्यार वाले असहाबे रसूल वाला की दे हजरत मौला अली हजरत मौला अली है नाराए हैदरी बाजू मेरा के बोलो नाराए हैदरी नमाज का टाइम करीब आ रही है शाकर साहब मेरे इशारे ते अदान रखवाया जेना मैं इन्हां कोलो अली अली सुनना चाहना अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अली, अली।
चार मिनटा जबात रो सवेटा मौला अली मौला अली उच्ची बोलो मौला अली ते बीवी दा नाम की है फातिमा बिनत मुहम्मद बोलो फातिमा बिनत मौला अली ने फातिमा दे हुंदिया दूजा निकाह नहीं फरमाया ते जदों फातिमा दा आखरी वेला आया सैयदा पाक दा आखरी वेला ते मौला अली कहण लगी फातिमा तेरे जैसी बीवी मैनू नजर नहीं आएगी तेरे जैसी बीवी मैनू नजर नहीं आएगी तेरी निकाह दे अंदर तू मेरे निकाह दे अंदर रही बड़ा सुकून पाया है घर बड़ा सोना चलता रहा है ओ लोगो बीवियां चाहन ते घर नो जन्नत दा बाग बना देन भावे दोजख दा घड़ा बना देन मौला अली हैदर करार फरमान लगे फातिमा जदों दी मेरे घर दे अंदर आई है घर मेरा बड़ा अच्छा चलता रहा है बड़ा परवान बड़ा सुकून मिलता रहा है जनाबे फातिमा दा जुमला जाया ना करना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हसनैन करीमैन दी अम्मा जान बोलियां कहन लगियां ए प्यारे ऐदरे करार मेरे सरदाजे मन मैं ते दुनिया तो जान वाली हाँ मेरे जाने तो बाद अगर मेरे वर्गा सुकून चाहती हो अगर मेरे वर्गा सुकून चाहती हो मेरिया तीन भैन होर भी ने असी चार भैन वा सब तो वड्डी भैन है जिदा ना जनाबे सैनबे ओदी बेटी अमामा ओ जनाब शादी दे लायक हो गई ने ऐ प्यारे ऐदरे करार जिनों मैं दुनिया तो चली जावा तुसी सैनब की बेटी अमामा दे नाल निकाह कर लेना हैदरे करार ने जनाबे उमामा दे नाल निकाह फरमाया हुण इस मलंग दे कोल सवाल कर जदों फातिमा अली दे निकाह दे अंदर सी उसले फातिमा दी सस कौन बड़ी हजरत खदीजा तुल कुबरा हजरत अम्मा जी आयशा सदीका हजरत मैमूना हजरत सलमा हजरत हफ्सा ते उम्मे हबीबा सासा ससा बन गईया ओए ससा मावां दी जगह ते हुंदियां ने इहतराम दी जगह ते हुंदियां ने हया करिया करना कुछ ते जिसले जनाब फातिमा दा विशाल हो गया ए अमामा आ गई मौला अली दे निकाह दे अंदर हुण पुछ मलंगा नूं इहनां दी सस कौण बड़ी मौला अली हैदर करार दी फिर जवाब आएगा मौला अली हैदर करार दे घर विच जदों अमामा आई ओदी सस दा नां सी जनाबे सैनब फिर पुछ सैनब ते अब्बे दा की नाम सी तेरी जुबान गुंग हो जाएगी सुनियां दी स्टेजां तों जवाब आएगा फातिमा दे अब्बे दा नाम ही मुहम्मद ए सैनब दे अब्बे दा नाम मुहम्मद नारे रिसालत यो पया कर ते है सुनी दासताने अहले बैत आखो यो पया कर ते है सुनी दासताने रिश्तेदारों कहण वाले ओ भी हक दा इमाम ए ते वेखना मौला हुसैन दा घर ते वेख लेना हैदर करार दा घर भी वेख लेना सुनियो जरा तसव्वुर अखांगे लैके आउणा एवें सोच दी वजह तो नहीं सुर दी वजह तो नहीं कदी अली लाड़ा बनिया नबी दे घर कहो सुभान अल्लाह अली लाड़ा बनिया नबी दे घर कदी फरूक लाड़ा बनिया अली दे घर एवें इहतराम करिया कर दोवां अखां नाल वेख यक चश्मे कोल बन के गल्लां ना करिया कर अली लाड़ा बन के नबी दे दरवाजे ते टुर जाए मैं दड़े लगा देंगा किताबां दे हवाले दे अपनियां किताबां नहीं तेरे घर दियां किताबां आओ सामने इमामबाड़े तो लैके ईरान दे इमामबाड़ियां तक चला जा रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना वा साडा अकीदा असी जनाब घड़े विच मुंह पा के अपने अकीदे दा प्रचार नहीं करदे ओए चौक लगा के हवाले पेश करके दसने आ जे मौला अली दे घर दे अंदर हजरत उमर दा निकाह ना होया होवे बड़े पढ़ाए मौलवी तेरे मसलक दे अंदर चले जावांगे जे
मान ले अली नबी दे बूए ते टुर जाए अली हक दा इमाम है ते जे भाई बलख मरबा मील दा हाकम उमर अली दे दरवाजे ते उम्मे कुलसूम दे वास्ते आ जाए ते उमर भी हक दा इमाम है उस्मान नबी दे दरवाजे ते जाए उस्मान भी हक दा इमाम है और कहने वाले कहंदे ने के सारे शाना वाले बणी यार नबी दे शैतान नहीं आ सकता तेरे साए तो भी शैतान दौड़ेगा हुण शैतान काले रूप के अंदर ही आंदा है उमर के नेड़े नहीं जी आंदा उमर पाक तो नस जांदा है मैं क्या ओए क्यों बुगद रखना है मजमा लगा के फरमाया ये शाही खराने की बीबी है एदा थूला भी कोई सदाता ही होना चाहिए चश्मे फलक ने वेखिया उमर नू सारे मजमे के अंदर शहर बानो वास्ते लाड़ा नजर आया मौला हुसैन ही नजर आया है जिन्हां दीआं नजरां दे अंदर हुसैन शहजादा होवे किहड़े मुंह दे नाल उहनां दीआं गल्लां करने पिया और एक गल याद रख लो सुनियो ये पूरी रवायत नहीं जिहड़ी मैं सुना रहा वा एक बीबी मैं ईरान विचों नहीं आई दो बीबियां आईआं ने माहले खदीमत दे अंदर एक मौला अली दी नूं बणी ए दूजी नूं सिद्दीक अकबर दी बणी ए हक्के 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 एक मौला अली दी नूं बणी एक सिद्दीक अकबर दी नूं बणी ए कि एक घराने दियां बीबियां आ जाण एक हुसैन दे घर विच आ जाए एक मुहम्मद बिन अबू बकर दे घर विच आ जाए हुण अखां मीट के रिश्ता बना हा उहनां दा रिश्ता की बनेगा तू लड़ान ते बड़ा जोर लगा रही है असी मुहब्बतां ते बड़े जोर लगा के असी आने आ यों पाया करते है सुनी खजूर आईया कितने रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे अबू बकर उमर उस्मान अली बैठे सरकार ने खजूर वंड दिखा जो खजूर तकसीम की ना अबू बकर खजूर खा के गुठली अली पाक के अगे रख दे उमर ते उस्मान खजूर खा के ना गुठली मौला और तू जंग लड़ाई फिर लै तू तलवारा फड़ाइया ने इन्हों दियां मुहब्बतां भी वेख लै गुठली कढ़ के मौला अली दे अगे रख दे ते बाद विच नबी दे यारां ने आख्या आका साडे वीर वीर अली पाक नूं कह दियो हौसले नाल खाण वेखो ना साडे अगे खजूर बिलकुल असां खादियां ने नामो निशान नजर नहीं आ रहा उधर ढेर मतलब खजूर खादिया कुठलियां कढ़ के अली पाक दे अगे रखिया बाद आका साडे वीर नूं समझा दियो
ਬੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੀ ਆਨਾ ਮਦੀਨਤੁਲ ਇਲਮ ਵਾ ਅਲੀ ਜਨ ਬਾਬੂ ਹਾਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਖਾ ਦਿਆ ਨੇ ਆਕਾ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਠਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੁੱਠਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ 25 ਸਾਲ ਸਿੱਦੀਕ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਉਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ 19 ਸਾਲ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਨ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਲੱਦਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਬਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਅਲੀ ਤਕੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੀ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਅਸਤੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2:15 ਵਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1:15 ਤੋਂ 2:15 ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 1:15 ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਜ਼ਵੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨੇ 2:15 ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਮਾਈ ਕਿਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਬਮਾ ਤੌਫੀਕੀ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੁਹਰ ਕੀ